डसॉल्ट राफेल। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस में डेवलप्ड ये 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट आज दुनिया के लिए यूएस मेड फिफ्थ जेन F-35 का विकल्प बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्यों वर्ल्ड एयरफोर्सेज आज एक फिफ्थ जनरेशन जेट की जगह एक 4.5 जनरेशन जेट को प्रेफर कर रही है? देखिए, आज इंडियन एयरफोर्स 36 राफेल्स को ऑपरेट करती है और इंडियन नेवी भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से राफेल मरीन ऑपरेट करने वाली है। साथ ही एयरक्राफ्ट एयर डिफेंस, एयर सुपीरियरिटी, रिकॉनिसेंस, क्लोज एयर सपोर्ट, डायनेमिक टारगेटिंग, एयर टू ग्राउंड प्रिसीजन स्ट्राइक, एंटी शिप अटैक्स, न्यूक्लियर डिटरेंस जैसे विभिन्न मिशंस करने में सक्षम है। इसके अलावा 2009 में एक सिमुलेटेड एक्सरसाइज में राफेल्स ने अमेरिकन फिफ्थ जनरेशन F-22 रैप्टर को मार गिराया था। लेकिन दोस्तों, करंटली ऑनगोइंग हमास इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के चलते मिडिल ईस्ट कंट्रीज को यूएस F-35 एक्सपोर्ट करने में रिलक्टेंट है और इसी सिचुएशन का बेनिफिट उठाते हुए हमें फ्रांस नजर आ रहा है जो इन मिडिल ईस्टर्न देशों को राफेल बेचने में लगा है।